हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में इस वीडियो को तो के थ्रू हम लोग एसएससी एमटीएस एंड सीजीएल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं उनके लिए डिस्कस करने वाले हैं स्टार्ट करते हैं वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन व्हेन वाज मिशन चंद्रयान थ्री लॉन्च्ड मिशन चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया ऑप्शन नंबर ए 14th ऑफ जुलाई 2023 मिशन चंद्रयान थ्री इज द ब्लैंक मिशन ऑन ऑफ द मून बताइए मिशन चंद्रयान थ्री जो लॉन्च किया गया भारत से तो ये इंडिया का कौन सा मिशन था मून के लिए चंद्रयान फर्स्ट पहला चंद्रयान टू दूसरा एंड चंद्रयान थ्री इज द थर्ड वन ऑप्शन नंबर सी पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का हमका लिंक मिल जाएगा आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मेनी इधर अपडेट्स टोटल हाउ मेनी मॉड्यूल्स आर देयर इन चंद्रयान थ्री बताइए चंद्रयान थ्री में टोटल कितने मॉड्यूल्स थे ज द ऑथर ऑफ द बुक वाई सोशलिज्म बताइए वाई सोशलिज्म के ऑथर कौन है जयप्रकाश नारायण वेन वॉज इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड बताइए इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है इंटरनेशनल यूथ डे ट्वेल्थ ऑफ ऑगस्ट रास लीला इज द फेमस फॉल्क डांस ऑफ विच स्टेट बताइए रास लीला जो है ये किस राज्य का फेमस फॉल्क डांस है उत्तर प्रदेश ऑन विच डे आर द पद्म अवार्ड विनर अनाउंस पद्म विनर जो होते हैं इसके विनर कब अनाउंस किए जाते हैं किस दिन ट्वेंटी सिक्स ऑफ जनवरी दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए रिपब्लिक डे विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड अ डिस्ट्रक्टिव रिवर बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नदी को डिस्ट्रक्टिव रिवर से जाना जाता है डिस्ट्रक्टिव रिवर इसलिए क्योंकि इस नदी में इस नदी के कारण से बाढ़ आ जाती है, है ना इस, इस वजह से इसको डिस्ट्रक्टिव रिवर से जाना जाता है और ये है कोसी रिवर विच स्टेट इज़ नोन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया बताइए स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया से किस राज्य को जाना जाता है बेसिकली मसालों का बागीचा कहा जाता है केरला को ठीक है विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया बताइए रबर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है ये कौन सा स्टेट है ऑप्शन नंबर डी केरला ठीक है वट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लायन शेर का साइंटिफिक नेम बता दीजिए टाइगर का तो हमने देखा है ना पैंथेरा टिग्रिश है टाइगर का लायन का भी आपको पता होना चाहिए पैंथेरा लियो विच ऑफ़ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज़ यूज टू राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स जैसे हम एनिमल्स के साइंटिफिक नेम याद रखने के लिए कोशिश करते हैं ना तो आपको बताना है कि ये लैंग्वेज ये लैंग्वेज कौन से लैंग्वेज से ये बेसिकली लिखा जाता है साइंटिफिक नेम एनिमल्स का डच ग्रीक लैटिन या स्पेनिश इंग्लिश लैंग्वेज तो होता नहीं है थोड़ा हट के होता है तो ये क्या होता है ना भाई ये होता है आपका लैटिन होता है ठीक है एनिमल्स के लिखे जाते हैं साइंटिफिक गोरखपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर गोरखपुर शहर कौन सी नदी के किनारे बसा है गोरखपुर शहर आपका राप्ती विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बताइए निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं बट राज्यसभा इज़ अ टेम्प्रोरी हाउस जो है ये आपका गलत है बिकॉज राज्यसभा इज़ अ परमानेंट हाउस नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ कॉल्ड द परमानेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट बताइए निम्नलिखित में से किसको परमानेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट से जाना जाता है अभी मैंने आपको तुरंत बताया स्टेटमेंट के थ्रू तो भाई किसको राज्यसभा को क्या परमानेंट हाउस से जाना जाता है ठीक है हाउ मेनी हाउसेज आर देर इन इंडियन पार्लियामेंट इंडियन पार्लियामेंट में कितने हाउसेज होते हैं ओबियसली टू हाउसेज होते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा विच हाउस इज ऑल्सो कॉल्ड द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बताइए कौन से हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से जाना जाता है लोकसभा इज नोन एज द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अगला क्वेश्चन पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग इज लिस्टेड इन लिस्ट? बताइए पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग जो है ये कौन से लिस्ट के अंतर्गत आता है ब्लैंक लिस्ट गिवन इन द सेवन शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताइए फॉरेस्ट जो है जंगल ये कौन से कौन से लिस्ट के अंतर्गत आता है बताइए सेंट्रल स्टेट वर्ल्ड या कंकरेंट जो सेवन शेड्यूल में दिया गया है कंकरेंट विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू म्यूनसिपैलिटीज बताइए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा शेड्यूल जो है ये रिलेटेड है आपका म्यूनसिपैलिटीज से ट विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर बताइए ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर से कौन सा आर्टिकल आपका रिलेटेड है आर्टिकल सेवेंटी एट दम्पर टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बताइए दंपर टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में है मिजोरम मेनी टाइम्स डेड महमूद गजनी अटैक इंडिया बताइए महमूद गजनी ने भारत पे कितने बार आक्रमण किया है सत्रह बार सेवेंटीन टाइम्स मेनी प्लेयर्स एट इन बास्केटबॉल गेम बास्केटबॉल गेम में कितने प्लेयर्स होते हैं फाइव विच ऑफ़ द फॉलोइंग गैसेज वॉज लीकड इन द भोपाल गैस ट्रैजडी इन दिसंबर नाइनटीन ऐटी फोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई भोपाल गैस ट्रैजडी जो हुआ दिसम्बर नाइनटीन एटी फोर में तो इसमें कौन से गैस के लीकेज के कारण से हुआ बताइए ये आपका किसके कारण से हुआ भाई मिथाइल आइसोसाइनेट ठीक है ऑप्शन नंबर सी ओके तो वीडियो का ही पैंट करते हैं वीडियो अच्छा लगा और हिमाचल आप नहीं हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में